हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सर्जिक। इस इंटरेक्शन में हम बात करने वाले हैं जय चावड़ा से, जो कि गेट 2021 मैकेनिकल के ऑल इंडिया रैंक 2 है और वो एक सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है। तो उनकी प्रिपरेशन जर्नी से बहुत सी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जय, एक बार फिर से। और थैंक यू सर। अभी अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दो, कहाँ से हो, कहाँ पे पढ़ रहे हो, क्या प्रोफाइल है? मैं सूरत गुजरात से हूँ। अभी मैं NIT सूरत में फाइनल ईयर में हूँ। अभी मैंने एक साल से सीरियस प्रिपरेशन की थी गेट के लिए और उसी का मतलब नतीजा मिला है अभी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तुमने स्टार्ट कब से किया? तुमने कहा सीरियस प्रिपरेशन एक साल पहले से स्टार्ट की, मतलब क्या, कब से प्रिपेयर कर रहे हो? एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया था थर्ड ईयर से। सेकंड ईयर पर मुझे पता चला था कि गेट के एग्जाम के बारे में, और थर्ड ईयर से मैंने सोचा था कि गेट का एग्जाम दूंगा। फिर मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट लिया, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ा उसको, कोई भी सोर्सेज तो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो किया था मैंने। फिर थोड़े थोड़े सब्जेक्ट थर्मोडाइनमिक्स थोड़ा पढ़ लिया था, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ लिया था, लेकिन इतना अच्छा कमांड नहीं था मेरा और कंसेप्ट भी थोड़े से वीक थे। तो फिर जब मार्च का महीना आया लास्ट ईयर, मार्च के महीने में मैंने सोचा कि सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद पूरा प्लान किया मैंने। उसके बाद मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया और पूरा सिलेबस खत्म किया और फिर टेस्ट सीरीज वगैरह दिया था, और उसके बाद मैंने गेट में अटेम्प्ट दिया। ओके, वो बात सही है बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व किए बिना कई सारी चीजें हैं जो पता नहीं चलती हैं, ना केवल ना और कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। तो वो टेस्ट सीरीज उस सब केसेस में मस्ट होती है। तो तुमने कैसे मैनेज किया क्वेश्चंस को, क्योंकि फाइनल ईयर में प्रिपेयर करना मतलब बहुत कुछ मैनेज करना, बहुत सारी चीजें कॉलेज में चलती रहती हैं, प्लेसमेंट की ऑब्वियसली प्रोसेस चलते हैं, तो वो सब कैसे तुमने सारा मैनेज किया? उसके साथ क्वेश्चन भी तुमने टेस्ट सीरीज में मार्च के आसपास मतलब तुमने स्टार्ट किया टेस्ट सीरीज, तो कैसे मैनेज किया तुमने ये टाइम? सबसे पहले तो मैंने टाइम मैनेजमेंट आपसे थोड़ा सीखा था, आपका जो वीडियो आया था उसमें मैंने उससे इतने टिप्स लिया था, और फिर मैंने सोचा कि मतलब जो भी टाइम है अपने पास, जो टाइम नहीं मिल रहा उसको उसके बारे में ना सोच के जितना भी टाइम बचा है उसको आप इफेक्टिवली कैसे यूज करेंगे, उसको मैंने ज्यादा ध्यान दिया था। फिर कॉलेज तो होता ही है, फिर वो भी देखा था कि अगर सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर कोई प्लेसमेंट है तो फिर भी आपको अपना गेट का प्रिपरेशन एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी पढ़ लेना चाहिए। फिर भी शॉर्ट नोट्स हो गए, अगर आपने फॉर्मूला शीट्स बनाई है तो आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और प्रोजेक्ट के लिए मैं ये बोलूँगा कि प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप, लेकिन मेरे ख्याल से गेट के बाद भी आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, 3 महीने या फिर 4 महीने, फिर उसमें हो ही जाता है प्रोजेक्ट भी, कंप्लीट कर सकते हो। तो उसके लिए भी हाँ, तो उसमें भी ज़्यादा आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर टेस्ट सीरीज को आप ये मत समझिए कि ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट नहीं है आपका, और आपको वो टेस्ट सीरीज इसीलिए है कि आपको अपनी गलतियां पता चले, और टेस्ट सीरीज में आपको वही करना है कि पूरा एनालाइज करना है, टेस्ट सीरीज में आपकी गलतियां कहाँ हो रही है वो आपको पता करना है, फिर उसी को रेक्टिफाई करना है। जैसे कि एक्सर्जी के टेस्ट सीरीज में मैंने देखा था कि पूरा एक्सप्लेनेशन एकदम पूरे अच्छे से तरीके से एक्सप्लेनेशन था, फिर आपने भी वीडियो एनालिसिस डाला था, तो फिर उसमें से भी काफ़ी मतलब सीखा था कि कहाँ पे आप फंस सकते हैं और कौन सी इसलिए मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, तो वो सब भी बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चंस पूरा पूरा अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है, यूनिट्स अच्छे से रीड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट टाइम में वही काम में आएगा ज़्यादा। हाँ सही बात है, क्वेश्चन लेकिन सॉल्व करने में जनरली सिली मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। तो जैसा तुमने बताया कि एक्सर्जिक के टेस्ट सीरीज में तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सिली मिस्टेक्स करवाऊं और फिर उनके बारे में बताऊं कि आप गलतियां कर रहे हो, ये मत करना, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा कंट्रोल तो उस पर नहीं ही हो पाता है। आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हो। बिल्कुल सर।
तो इस चीज को लेके प्रेशर फील होता था कि यार कहीं गेट में सिली मिस्टेक्स ना हो जाएं, गड़बड़ ना हो जाए कुछ, इस तरीके के प्रेशर को कैसे हैंडल किया? क्योंकि मैं काफी एस्पेरेंट से बात करता हूं, तो कई लोग सिली मिस्टेक्स से ज्यादा उसके प्रेशर से ज्यादा परेशान होते हैं कि सॉल्व कर रहे हैं, पता नहीं कि कुछ गलत कर दिया क्या यार, ये माइंड में चलता रहता है। तो ये इस चीज को कैसे, क्या तुम टिप्स दोगे इस बारे में कि कैसे इस चीज को कंट्रोल करें? सबसे पहले तो ऐसा अगर आपको हो रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और मैं बोलूंगा कि आप कई बार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया लेकिन आप ज्यादा ओवर थिंक कर जाते हैं क्वेश्चन में कि मैंने फिर से चेक कर लेता हूँ एक बार। वो चेक करने में आप 2-3 बार चेक कर लेते हैं, या वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, टाइम चला जाता है क्योंकि आपको 3 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है गेट में, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता कि आप 2-3 बार चेक कर लो। और वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा आपको कि मेरा एक बार में किया है तो फिर वो सही ही होगा, और वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कितना ज्यादा करते हो उसी से आएगा। और उसके लिए आप, मैं कहूँगा कि टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है। आप करिए, मिस्टेक करिए, टेस्ट सीरीज में ही मिस्टेक कर लीजिए जितनी भी कर सकते हो आप। नेगेटिव मार्किंग सबसे कम रखिए। नेगेटिव मार्किंग के लिए मैं ये बोलूंगा कि जब टेस्ट खत्म हो जाए पूरा, तो उसके बाद जब आप रिव्यू करते हैं कि चलो देख लेता हूँ मैं एक बार फिर से क्वेश्चंस, तो उसमें सबसे पहले एमसीक्यूज को टारगेट कीजिए क्योंकि बिल्कुल एनएटीज में आपको पता नहीं चलता कि एनएटीज में तो वैसे भी आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा सही है कि गलत, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं है, ऑप्शंस नहीं है आपके पास। लेकिन एमसीक्यू में अगर गलत हुआ तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, तो वो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि वो मेरे सही हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप गेट के प्रीवियस ईयर्स तो लगा नहीं है, और साथ में हो सके टाइम मिले तो ESC के भी लगा ही लीजिए जो प्रीलिम्स के होते हैं क्वेश्चंस, मैंने लगाए थे और 1 मार्क्स के लिए काफी हेल्पफुल रहता है वो भी। तो तुमने क्या सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्व किए ESC के प्रीलिम्स, या केवल कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट? जो जो गेट में ओवरलैप कर रहे थे गेट के सिलेबस में ऑल वो राइट, मैंने किए थे। ओके ओके ओके, क्योंकि कई लोग काफी उसमें आगे निकल जाते हैं नहीं सॉल्व नहीं नहीं करते करते, काफी टॉपिक्स के वो करने भी लगते। हाँ वही मेन करना है कि आपको सिलेबस से पूरा फेमिलियर रहना है हर टाइम पे। सिलेबस आप पूरा फेमिलियर लीजिए उससे, कहीं सिलेबस के बाहर का कुछ ना पढ़ लें आप, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सिलेबस के साथ ही रहें। ओके ओके। और मार्क्स के बारे में तुम थोड़ा बताओ, एक्सर्जी की टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आ रहे थे तुम्हारे फुल लेंथ टेस्ट में? जो डिफिकल्ट आ रहे थे उसमें तो मेरे 60 के आसपास आ रहे थे, फिर गियर अप जो टेस्ट हुए थे उसमें तो 75 कॉन्स्टेंट रहे थे मेरे, 76 और 2 बार 74 आए थे। उसमें काफी सिली मिस्टेक्स हुई थी मेरी, 10 मार्क्स की मतलब सिली मिस्टेक्स हो रही थी। तो जो आपके जो एनालिसिस था उसी से मुझे पता चला कि बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक्स थी, जैसे कि यूनिट्स की हो गई या फिर कुछ MSQ था तो MSQ में भी यूनिट्स का, और कई बार ऐसा हुआ था कि उसने पूछ लिया कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो वो मैंने करेक्ट कर दिए थे, तो वो भी गलत हुआ था। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि एक मिस्टेक कॉपी बना लीजिए अलग से कोई कीवर्ड के लिए, और मैंने भी यही किया था कि टेस्ट सीरीज के लिए एक अलग से मिस्टेक कॉपी बना ली थी और उसी में अपनी मिस्टेक्स लिखता गया था मैं। हाँ, ये जरूरी चीज है, और उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज भी करते रहना इम्पोर्टेंट हो। बिल्कुल, वो लास्ट लास्ट का जो टाइम होता है गेट के एग्जाम के मतलब 1 वीक पहले या फिर वो, उसमें आपको काफी हेल्प होगा कि आपने पूरे प्रिपरेशन में क्या क्या गलतियां करी, तो वो आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा और याद रहेगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, इसके अलावा जो सिलेबस में एडिशंस हुए थे गेट 2021 में, उसके भी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे उनके लेक्चर्स तुमने रेफर किए थे, एक्सर्जिक के देखे थे लेक्चर्स, तो उसका हाँ एक्सपीरियंस सर, ब्रीफ में अगर बता सकते हो तो। बिल्कुल सर, पूरा पूरा एकदम कंसेप्चुअल वीडियोस थे, एकदम पूरे मतलब गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। फिर सबसे ज़्यादा तो मुझे शेयर सेंटर वाला और फिर रोलिंग वाला काफ़ी इम्प्रेस किया था, कि वो आपने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि कोई बता सकता है मतलब इतना अच्छे से, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। और एक ओके क्वेश्चन तो आप ही गया था रोलिंग से।
जो कि बिल्कुल मतलब वही था, मतलब आपने जो पढ़ाया था वही था बिल्कुल. बिल्कुल. इसमें ये बताओ जय कि स्टूडेंट्स जो फाइनल डेज होता है, जब गेट में कुछ वक्त बचे होते हैं, कुछ दिन या कुछ वीक्स बचे होते हैं, उस टाइम पे उनको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और उन 3 आवर्स में भी क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? तुमने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की कि मैं 1 मार्क्स के पहले करूंगा, 2 मार्क्स के पहले करूंगा या रैंडम ऑर्डर में है वैसे ही स्टार्ट करूंगा? इन दोनों चीजों के बारे में थोड़ा सा बताओ. तो सबसे पहले गेट का एग्जाम के जो 3 घंटे होते हैं उनको आप पहले से ही प्लान करके रखिए. जब भी आप टेस्ट सीरीज लेंगे फुल लेंथ, तभी से अपना पैटर्न पकड़ लीजिए कि आप क्या, आप खुद क्या करेंगे, कि पहले 1 मार्क्स का लेंगे या फिर 2 मार्क्स का. एक्चुअली इस बार तो मतलब पूरे रैंडम आए थे, कि कोई ऐसा ऑर्डर में नहीं आए थे कि 1 मार्क्स करेंगे या फिर 2 मार्क्स, मतलब पूरा रैंडम आया था. इसलिए इस बार थोड़ा मतलब मुश्किल था. लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि पहले एप्टीट्यूड करेंगे या फिर टेक्निकल. तो मतलब आप पहले टेस्ट सीरीज से ही अपने अपने आप को पता लगा लीजिए कि आप कैसे करेंगे, और वो 3 आवर्स जो है वो अच्छे से प्लान कर लीजिए. जो लास्ट का टाइम होता है उसमें मतलब इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से. मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, जितना हो सके उतना पढ़ो. और मतलब पूरा स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, अपने दिमाग को एकदम शांत रखना है. क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि रैंक उसी का आएगा लास्ट में जो 1-2 दिन एकदम शांत है और जो रात को सो के गया है एग्जाम देने के लिए. मैं एग्जाम देने से पहले 8 घंटा सो के गया था और वही हेल्पफुल हुआ था बहुत. बहुत अच्छे टिप्स तुमने शेयर किए. मैं श्योर हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इससे बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा और इंस्पायर डेफिनेटली वो तुमसे होंगे. मैं फिर से तुमको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ. आगे जो भी डायरेक्शन तुम चूज करो उसमें तुम और सक्सेसफुल हो. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच सर. जय.